मिस कंवल हयात साहिबा, आजकल जो ड्रामा सीरियल चल रहा है मेरे पास तुम हो, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी बहुत बुरी राय है। मेरे ख्याल से तमाम ख्वातीन जो हैं वो इस पे शदीद किस्म का उनको इख्तलाफ है। खलीलुर्रहमान कमर की अगर आप इस किस्म की जो तहरीर है या उनका अपना परसेप्शन देखें तो वो हमेशा औरत को उन्होंने बड़ा डिग्रेड करके बताया है। उनकी नज़र में शायद औरत दूसरे दर्जे की है, उनका बयान भी है। तो मेरा ख़्याल है कि आपने एक हम लोग एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और आपने हमारे इस्लाम मज़हब में तो औरत को बहुत बुलंद दर्जा दिया है, एक माँ बेटी और बहन और बीवी का पांचवा तो कोई रिश्ता है ही नहीं है। लेकिन इस ड्रामे में आप देखें कि मर्दों को शायद ये मैसेज दिया गया कि आप जॉब पे जाते हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं या आपके घर से बैठ जाते हैं तो आपकी बीवी एक मैविश का करेक्टर है जो आपके जाने के बाद कोई शहवार टाइप का कोई बंदा है उसके साथ अफेयर चला लेती है। और आपने इस ड्रामे में अल्लाह ताला की जो बनाई हुई हदूद है उनको भी तोड़ते हुए दिखाया कि किस तरीके से एक औरत जो है वो बगैर निकाह के साथ वो दूसरे मर्द के साथ जा रही है। एक बात, दूसरी बात ये कि आप किस तरीके से मतलब माशरे को ये आप मैसेज दे रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो घरों में अगर अपने शोहरों से खुश नहीं हैं या वो कम आमदन वाले लोग हैं तो वो अफेयर चला के तो अपना दिली सेटिस्फेक्शन कर सकती हैं। देखें, हमारे मज़हब में बिल्कुल अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है जिस तरह मर्द दो चार तीन शादियाँ मतलब कर सकता है, औरत भी अगर अपने शौहर से राज़ी नहीं है तो वो उसे अलग इख्तियार करने के बाद दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन आपने बिल्कुल टोटली इसमें औरत को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है, औरत को एक लालची, एक हवस परस्त और एक बहुत उसके मुझे दिली तौर पर शदीद दुख हुआ है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन हैं या दुनिया में भी कहीं भी जो भी ख़वातीन हैं उनको इस बात पे एतराज़ होगा। और आपने छोटे से बच्चे को भी मतलब बहुत उसका करेक्टर ऐसा बताया कि वो एक बच्चा है, वो अपने बाप के लिए लड़की ढूँढ रहा है और उस अपने टीचर की सूरत में, तो ये चीज़ें जो ना वो मेरे ख्याल से हमारे माशरे में अच्छा मैसेज नहीं दे रही। तो और मैं ये कहूँगी कि अगर आपने ड्रामे बनाने ही हैं तो आप ऐसे ड्रामे बनाएं जैसे सलाउद्दीन अयूबी हैं, टीपू सुल्तान हैं, नूरुद्दीन अजंगी हैं। आप ऐसा मैसेज कोई दो जो हमारे माशरे में बेहतरीन नुमाइंदगी करे, हमारी नौजवान नस्ल को अच्छे रास्ते पे लेके जाए, ना कि आप लोगों के घरों में ये तो इंतशार फैलाने वाली बात है। और दूसरी बात है, आजकल आप जो ड्रामा देखें उसमें सास दो नंदे और एक मर्द के साथ दो दो खवातीन और ये मतलब आप गलत कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं। तो खुदा के लिए ये बिल्कुल वही सोच है, ये सिर्फ जनरेशन वार है कि आप जहनों में ये चीज़ें डाल रहे हैं कि ख़वातीन की इज्जत नहीं होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में जो तसव्वुर है वो औरत की इज्जत का है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगी खलीलुर्रहमान साहब से कि अगर आपने औरत की इतनी तजलील की है तो खुदा के लिए आप जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी अदाकार हैं, जितनी भी सोसाइटी है, हमें ये मीडिया, ये ड्रामे, ये मूवीज़ ऐसी हैं जिनको देख के बहुत सारे लोग असल ज़िंदगी में भी उसको अमल करते हैं। तो खुदा के लिए ऐसी चीज़ बनाएं जिससे हमारे माशरे की असल अक्कासी हो सके, ना कि आप एक औरत को जलील करके, उसकी तजलील करके आप ये बता रहे हैं कि औरत बेवफा है। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं वेरी डिसअपॉइंटेड, मैंने बहुत कम इसकी क्लिप्स या कुछ व्यूइंग देखी है जो कि बहुत हमारे माशरे में बहुत बुरा उसका असर है। थैंक यू सो मच।